नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 मैट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 11 पार्ट है ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 12th पार्ट है। दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम दे कैन रेफर इंग्लिश मीडियम प्रेजेंटेशन, बट दिस इज हिंदी मीडियम प्रेजेंटेशन। पहला ट्रिक है या पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का, अगर ये सीरीज हो कोई, तो फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आए तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना कि क्या कोई सीरीज को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्या सीरीज हो रही है, तीन का डिफरेंस है, दोनों में तीन का डिफरेंस है। तो 1 + 4, 4 × 7, 7 × 10 ऐसे हुए, तो ये सीरीज क्या होती, फिर 7 × 10 और 10 और इंटू आप बोल सकते हैं, आप यहां पे 13 लगा सकते थे और फिर 13 × 16, तो 5 टर्म ऐसे होते हैं इसमें। इसका मतलब एक तो ये चीज होगी फर्स्ट 5 टर्म से रिलेटेड। अब जब ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि आपको 4-5 सेकंड या ज्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगे। तो आपको एक तो ये चीज दीजिए कि इसके इस फॉर्मेट में लिख दीजिए इसको 1 1 - 1/4। देखो 4 - 1 = 3/4। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि 1/3 तो क्या हो सकता है, 1 - 1/4, ये 3/4 आएगा, तो 1/3 × 3/4 देखो 1/4 हो गया। तो आप तो इमीडिएटली एक तो ये चीज पिक करनी है आपको कि कैसे ये लिखी जा सकती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी और पहले आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे, लेकिन अगर पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो सकता है। तो 1 - 1/4 ऐसे ही ये ऐसे सीक्वेंस बनती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा आखिर में होगा -1/16। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और बीच में जो बचेगा वो ये बचेगा 1 - 1/16। आप बोल सकते हैं 1 - 1/16 कितना होता है, 15/16। तो आप बोल सकते हैं 5/16 है वो आंसर होना चाहिए, 5/16 आंसर, सी शुड बी द आंसर। दो तीन बातें हमने देखी इसमें, ए कि आप सीरीज कंप्लीट कीजिए पहले कि कब आखिरी इसमें क्या होगा, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, इन दो चीजों का आइडेंटिफिकेशन इसमें जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू, ट्रिक नंबर टू देखिए क्या है इसके लिए, क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 × 3 + 2 × 3 + 3 × 3 ऐसे 10 तक और फिर आपको बताना है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आमतौर पर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप कैसे करेंगे कि आप हमेशा 2 या 3 का ये ले लीजिए, इसकी क्या वैल्यू होगी 1, 8 और 27। अब इसका ले लीजिए 64, अब यहां पे 64 लिख सकते हैं 64 और 6 × 3 = 216। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो ये 8 टाइम्स है, तो जो इसकी वैल्यू थी 3025 उसको अगर हम 8 से गुणा कर दिया जाए ये इसका आंसर आ जाएगा डी शुड बी द आंसर। तो हमें क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन आए पहले 2 ले लीजिए या 3 लेना, 3 ले सकते हैं लेकिन 2 से भी काम चल जाएगा। तो जब आप 2 लेंगे पता चला 1, 8 और 8 = 60, 8 टाइम्स है, तो आप इमीडिएटली 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या खास बात है, 40 men can complete a work in 40 days. They started the work together. But at the end of each 10th day, 5 men left the job.
हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, कितने समय में काम कंप्लीट होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 30 आ सकता है, यहाँ पे 30 आ सकता है, ये 10 की जगह 5 आ सकता है, तो कहने का मतलब कि अगर ये वैरायटी आए तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे फिगर कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? देखिए 40 मैन कंप्लीट 40 डेज, इसका टोटल काम कितना हुआ? 40 × 40 आप मान लीजिए 1600 यूनिट टोटल काम है, 1600 यूनिट है वो टोटल काम है। अब पहले 10 दिन तो सारे करते हैं, इसका 40 आदमी है, 10 दिन तक करते हैं 400 यूनिट काम हो गया। फिर अगले 10 दिन 500 कर ले जाते, मतलब कि इस 10th डे 5 लेफ्ट, अब कितने बच गए आदमी? 35 आदमी बच गए यहां पे, और इस 10th डे 10 दिन तक काम करते हैं, 35 आदमी 10 दिन तक काम किया, 350 यूनिट काम कर दिया। फिर 5 छोड़कर और चले गए, 330 आदमी रह गए, 10 दिन तक काम किया, 300 काम। फिर 25 आदमी रह गए, 5 छोड़कर चले गए तो 250 यूनिट काम। फिर अब 20 आदमी बच गए, 10 दिन तक काम किया तो 200 यूनिट काम। अभी तक जो काम हो चुका देखिए 300, इन दोनों का 300, 900, 1100 और 1500 काम हो चुका, इन सब का जोड़ अभी तक 1500 यूनिट काम हो चुका। दिन कितने जा चुके हैं? जा चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 50 डेज जा चुके हैं, 50 डेज में 1500 काम हुआ। और हमें करना है कि 1600 यूनिट है काम करवाना है, इसका मतलब 100 यूनिट काम बाकी है। और आदमी कितने बच गए अगले में? 15 आदमी है वो बच गए, 15 आदमी करते हैं टोटल 10 दिन में 150 यूनिट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 150 यूनिट करने के लिए 15 आदमी चाहिए, या 15 आदमी 150 यूनिट 10 दिन में 10 दिन में करते हैं, एक दिन में 10, 15 और 100 यूनिट काम करवाना है तो इंटू हंड्रेड तो कितना हुआ? 20/3 मतलब 6/6, 2/3 और 50 डेज पहले था तो 50 + 6, 56, 2/3 टोटल दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन को समझिए, और लगभग ये 20 सेकंड के आसपास का टाइम ले सकता है, लेकिन ये वैरायटी पे कमांड होना जरूरी है कि आपको इसको अप्रोच कैसे होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन अप्रोच के ये महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि 40 × 40 1600 यूनिट काम मान लीजिए, पहले 10 दिन तक 40 आदमियों ने 400 यूनिट काम कर दिया, अगले 10 दिन में 35 आदमियों ने 350 कर दिया, अगले 10 दिन में 30 आदमियों ने 300 यूनिट कर दिया, अगले 10 दिन 25 आदमियों ने 250 यूनिट काम कर दिया, अगले 10 दिन में 20 आदमियों ने 200 यूनिट काम कर दिया, मतलब कि 1500 यूनिट काम हो चुका है। अब 100 काम बच गया, 100 यूनिट काम बच गया, और अब आदमी बच गया 15 आदमी है, 10 दिन में 150 यूनिट करते हैं, 150 यूनिट करते हैं 10 दिन में, तो 100 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 100 यूनिट कम दिन में करेंगे, 6 + 2/3 में करेंगे, तो यह आंसर हो जाएगा टोटल काम, उसका मतलब में इतना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का इसका स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? अब देखो अगर इसको ऐसे करना स्टार्ट करें, फर्स्ट एवरेज का इसको ऐसे करना स्टार्ट करें जोड़े और फिर 10 से डिवाइड करें, टाइम ज्यादा लग सकता है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा जरूर फॉर्मूला होना चाहिए जो इसको सॉल्व कर दे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है फॉर्मूला। मैं बहुत कम फॉर्मूला याद करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, ज्यादातर लॉजिक एलसीएम लेकर या टेक्निक से, लॉजिकल टेक्निक से सॉल्व करने की रिकमेंड करता हूँ। फॉर्मूले से मैथ की गति कम हो जाती है, ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। तो क्या होता है n+1 और 2n+1, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, स्क्वेयर के लिए एप्लीकेबल है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मान लो 3 से 10 पूछा है तो पहले 10 तक की निकालिए और फिर 3 का निकालकर 2 का निकालकर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर पूछा है 10 से लेकर 20 के बीच में तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से 20 का बीच में निकालेंगे इस टेक्निक से, फिर 1 से 9 का और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या होगा,
टेंथ का पूछा है तो 10 + 1 = 11, 20 + 1 = 21/6 ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं 38 point something आ जाएगा, 38 point something ये है, 38.5 आंसर होगा डी। लेकिन ये याद रखना स्क्वायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हाईली यूजफुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज ए पिरामिड ऑन बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर। इफ एवरी स्लेंट एज ऑफ दिस पिरामिड इज ऑफ लेंथ 5/8 2 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड विल बी व्हाट शुड बी द वॉल्यूम। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके सामने कुछ एक चैलेंज होंगे, ए कि आपको पिरामिड के बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद आपको जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, इनके वॉल्यूम वगैरह या प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर इन सारी की प्रॉपर्टी की जानकारी लेना चाहते हैं तो एक प्रेजेंटेशन पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूला टेक्निक पर बनाई हुई है, प्रॉपर्टी बनाई हुई है मेंसुरेशन से रिलेटेड, इनफैक्ट 2-3 प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए बनाई हुई है, आप वो रेफर कर सकते हैं तो वो देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन निकालना है और जल्दी निकालने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो क्या है कि हेक्सागोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वॉल्यूम का पता होना, वॉल्यूम का क्या होगा देखो वॉल्यूम होता है वो एनालॉगस होता है, वो होता है कोण के, और कोण का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। और यही फॉर्मूला अगर एनालॉगस कोण का होगा तो पिरामिड का होगा, इसका मतलब 1/3 और एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है हेक्सागोन है इसमें, तो हेक्सागोन में क्या होता है फॉर्मूला, हेक्सागोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना होता है तो √3/4a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए क्या है साइड और इसमें साइड दिया है 2a, तो ए स्क्वायर लिख देता हूं 2a × 2a, 4 से 4 कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा जो एरिया ऑफ द बेस 6√3a². अब देखो आप क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर सकते हो क्योंकि इसमें √3 आया है और √3 किसमें, सिर्फ इसमें, √3 सिर्फ इसमें, तो इसका मतलब आंसर यहीं पे क्लोज हो सकता है 80% संभावना बोल सकते हैं कि अगर आप थोड़ा जल्दी में और जल्दी फास्ट सोल्व करना चाहते हैं, टाइम कम है पूरा सोल्व करने, टाइम ज्यादा लग सकता है कंपेरेटिवली, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, आंसर शुड बी सी। लेकिन फिर भी अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हैं तो फिर भी हम देख लेते हैं कि इसकी क्या अप्रोच होगी, हाइट है लेकिन यहाँ पे स्लेंट हाइट दी है, स्लेंट हाइट का मतलब कि जैसे पिरामिड में ये वाली चीज होती है ये दे दी उसने 5a/2 और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2a साइड दी हुई एक, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है ये वाला हाइट निकालना, क्योंकि यहां पे हाइट है तो क्या होगा 5, आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं 5/2a² आप लिख सकते हैं 25/4a² -4a² तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आप बोल सकते हैं 9/4 क्योंकि 25 - 16 होगा 9/4a² तो 3/2a आ जाएगा 3/2a और मैं 3/2a यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 3√3a³ ये इसका आंसर है। तो जैसे मैंने पहले बताया था यहीं से भी पिक कर सकते थे आप फर्स्ट स्टेप में 5-7 सेकंड में निकालना चाहते हैं और फिर भी आपका पूरा निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं तो उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा लेकिन इस पर डिपेंड होगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे आएगा कितना टाइम आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन इससे 3-4 चीज इस क्वेश्चन से हमें 3-4 चीजें सीखने को मिली, एक पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का कंपेरिजन किसके साथ में होता है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, दूसरा हेक्सागन का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और इसको फास्ट निकालने के लिए जो कैलकुलेशन उसको कैसे पिक करते हैं, तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन से हमने सीखी। यदि जो पार्ट 12 चल रहा है उससे रिलेटेड ट्रिक्स, अब देखो पिनेकल कोचिंग सेंटर SSC CGL में जो रिसर्च करता है काफी और
हमने टायर टू की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। ये 80 टेस्ट सीरीज होगी फुल लेंथ, 40 मैथ, 80 टेस्ट में 40 मैथ और 40 इंग्लिश रिलेटेड। इसका मतलब अगर आप 15-20 टेस्ट है टायर टू के, टायर वन के एग्जाम से पहले कर लेते हैं और टायर वन में काफी क्वेश्चन, टायर वन जब टायर टू होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते मैथ में, इंग्लिश में होते 200 क्वेश्चन, अगर आप उस लेवल की सारी चीजें कर लेते हैं तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और काफी फायदा हो सकता है। तो ये आप अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 13 जून से स्टार्ट है, इसकी फीस ये है 3000 रुपीज और 80 टेस्ट इसमें शामिल होंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट ssccgpinnacle.com वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट में आपको यहाँ पे ये मिलेगा प्रोडक्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फुल कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल होंगे, आने वाले टाइम में लगभग 1000 से अवेलेबल। आप जो भी टॉपिक देखना चाहेंगे पूरा डिटेल में टॉपिक होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे हर तरह के मीडियम में, जैसे कि अभी ये प्रेजेंटेशन दोनों मीडियम हो रही है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है तो आप ये यूज कर सकते हैं हार्ड ड्राइव कोर्स। तो ये थी इससे रिलेटेड जानकारी, ट्रिक्स से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उससे रिलेटेड जानकारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।